मीडिया बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि आज बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के दोनों नेशनल प्रेसिडेंट की, मुखिया की ये संयुक्त व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तथा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह की, अर्थात इन दोनों गुरु व चेले की नींद उड़ाने वाली अति महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। हालांकि इसकी वास्तव में पृष्ठभूमि ये है कि हमारी पार्टी बीएसपी ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के देहांत के बाद उनके अधूरे पड़े कारवां को ना केवल गति प्रदान की है, बल्कि काफ़ी उतार चढ़ाव का सफर तय करते हुए उसे ऐतिहासिक सफलताएं भी प्रदान की हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि बीएसपी ने इनके द्वारा यहाँ जातिवादी व्यवस्था के शिकार लोगों को मान सम्मान की जिंदगी बसर करने हेतु राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करने की दी गई उसी अमर वाणी व मिशनरी लक्ष्य को सही मायने में जमीनी हकीकत में बदलने के कर्म में ही यहाँ लोहिया जी के बताए हुए रास्तों पर चल रही समाजवादी पार्टी से पहले सन 1993 में माननीय श्री कांशीराम जी व श्री मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के हुए आम चुनाव में चुनावी गठबंधन करके ये चुनाव लड़ा गया था। और फिर उसके परिणाम स्वरूप ही उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े व महत्वपूर्ण राज्य में हवा का रुख पूरी तरह से बदलते हुए तथा बीजेपी जैसी घोर जातिवादी व सांप्रदायिक पार्टी को पछाड़ते हुए तब यहाँ सरकार भी बनाई गई थी। हालांकि ये गठबंधन कुछ गंभीर कारणों की वजह से ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सका था, लेकिन अब देश व जनहित को उन कारणों में से खासकर 2 जून 1995 के घटित हुए लखनऊ गेस्ट हाउस कांड से भी ऊपर रखते हुए, यानी कि देश व जनहित को इस कांड से भी ऊपर रखते हुए एक बार फिर हमने यहाँ देश में लगभग उसी प्रकार की दूषित राजनीतिक व सांप्रदायिकता के माहौल के मद्देनज़र रखते हुए आपस में चुनावी समझौता करने का फैसला लिया है। और ये भी सर्वविदित है कि जैसे उस समय सन 1990 के आसपास बीजेपी की घोर जातिवादी संकीर्ण सांप्रदायिक वे अयोध्या मामले को लेकर धार्मिक उन्माद एवं हिंसा आदि के जहरीले माहौल के काले साए के कारण आम जनजीवन जिस प्रकार से प्रभावित था, तो उससे देश की आम जनता बुरी तरह से त्रस्त व त्राही त्राही कर रही थी। तो ठीक उसी प्रकार से आज भी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की लगभग 125 करोड़ आम जनता बीजेपी की केंद्र व राज्य सरकारों की खासकर घोर चुनावी वायदा खिलाफी करने के साथ साथ इनकी गरीब मजदूर किसान बेरोजगार व व्यापारी आदि विरोधी नीतियों तथा इनके अहंकारी एवं तानाशाही वाले रवैये से अत्यंत ही परेशान व दुखी हैं। तो ऐसे हालातों में एक बार फिर से बीएसपी व सपा ने व्यापक जनहित व देश हित को ध्यान में रखकर खासकर उत्तर प्रदेश में एकजुट होने की काफ़ी ज़रूरत महसूस की है। और इस संबंध में सर्व समाज की आम जन भावनाओं का पूरा पूरा कदर करते हुए तथा इनको पूरा पूरा
आदर सम्मान देते हुए देश में लोकसभा के शीघ्र ही होने वाले आम चुनाव में पूरे जन संतोष वाला चुनावी गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का फैसला किया है और जिसकी आज ही घोषणा भी कर दी जाएगी, जो निश्चित तौर पर ये इस नए वर्ष सन 2019 में एक प्रकार से नए राजनीतिक क्रांति का संदेश ही माना जाएगा तथा जो देश के संविधान को उसके सही व असली जनहितेशी एवं कल्याणकारी मार्ग पर चलने का रास्ता ही मुकर्रर करेगा। और ऐसे में अब बीएसपी व सपा के बने इस गठबंधन से समाज व देश को बहुत उम्मीदें भी जग गई हैं, क्योंकि यह चुनाव जीतने के लिए केवल दो पार्टियों का ही एकजुट होना मात्र नहीं है, बल्कि ये समाज के अधिकांश आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्व समाज के, खासकर गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व मझोले व्यापारियों, युवाओं, बेरोजगारों, महिलाओं व अन्य मेहनत कसाम जनता के साथ साथ दलितों, शोषितों, पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा एवं इनका प्रतिनिधित्व करने वाली एक शक्ति भी है, जो आगे चलकर देश के बेहतर कल को बनाने वाली सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति के मिशनरी लक्ष्य की प्राप्ति का एक खास सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति का आंदोलन भी बन सकता है। इसके साथ ही वैसे आपको ये भी मालूम है कि देश में पिछले लोकसभा और उसके बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के हुए आम चुनाव में भी बीजेपी ने जिस प्रकार से केंद्र व उत्तर प्रदेश में यहाँ बेईमानी से अपनी सरकार बनाई है और जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि से जनता आज बहुत ज़्यादा दुखी है, जिसे अति गंभीरता से लेते हुए फिर ऐसी जन विरोधी पार्टी को आगे सत्ता में आने से रोकने के लिए हमने पहले ही यहाँ उत्तर प्रदेश में कुछ लोकसभा व विधानसभा की सीटों पर हुए उपचुनाव में इनके अधिकांश उम्मीदवारों को हरा के इसकी शुरुआत भी कर दी है। जबकि इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की तो जमानत ही जब्त हो गई थी और फिर इसके बाद से पूरे देश में यह आम चर्चा शुरू हो गई कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं और यदि बीएसपी व सपा यहाँ गठबंधन करके लोकसभा का आम चुनाव लड़ते हैं तो फिर इस बार केंद्र में बीजेपी को सत्ता में आने से जरूर रोका जा सकता है। और वैसे भी इनके चुनावी वायदा खिलाफ ही कुशासन व गलत नीतियों एवं जातिवादी, संकीर्ण, द्वेषपूर्ण, सांप्रदायिक व पूंजीवादी तथा अहंकारी व तानाशाही वाले रवैये एवं कार्य प्रणाली से अब पूरे देश में गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ खासकर दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के भी लोग अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी तक भी हमें काफ़ी ज़्यादा दुखी व चिंतित ही नज़र आते हैं। इसके साथ ही इनके बिना पूरी तैयारी के विशेषकर नोटबंदी व जीएसटी के लिए गए फैसले से तो इनकी कमर और भी ज़्यादा तोड़कर रख दी गई है, जिन्हें खास ध्यान में रखकर ही वह इन लोगों के हितों को प्राथमिकता देते हुए अर्थात इनके हितों में लखनऊ गेस्ट हाउस कांड को भी किनारे करके फिर हमने आबादी व लोकसभा की सीटों के हिसाब से भी देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में यहाँ लोकसभा का आम चुनाव गठबंधन करके लड़ने का ही फैसला लिया है, ताकि इस बार बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को किसी भी कीमत पर केंद्र की सत्ता में आने से यहाँ विशेषकर उत्तर प्रदेश से ही रोका जा सके। और वैसे भी हमें ये पूरा पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से हमने
अर्थात बीएसपी व सपा ने मिलकर अभी तक यहाँ लोकसभा व विधानसभा के हुए सभी उपचुनावों में बीजेपी के अधिकांश उम्मीदवारों को बुरी तरह से हराया है, तो फिर ये बीएसपी व सपा का बना गठबंधन देश में जल्दी ही होने वाले लोकसभा आम चुनाव में भी खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश से बीजेपी के उम्मीदवारों को अब किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देगा, जिसकी हमें पूरी पूरी उम्मीद भी है। लेकिन अब यहाँ आप लोग हमसे ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि हमने इस बने गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को शामिल क्यों नहीं किया है। मैं ज़रूरी बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी ताकि आपको सवाल पूछने के लिए कोई तकलीफ ना उठानी पड़े। लेकिन अब यह आप लोग हमसे ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि हमने इस बने गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को शामिल क्यों नहीं किया है, जबकि इस संबंध में आप लोगों को भी ये मालूम है कि आज़ादी के बाद काफ़ी लंबी अवधि तक केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर यहाँ कांग्रेस पार्टी ने ही एक सत्र राज किया है, जिसमें विशेषकर कमजोर वर्गों के साथ साथ गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में लगे मेहनत कश लोग आदि ये सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हैं। और इनके शासनकाल में देश में गरीबी, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार आदि भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, जिसकी वजह से ही फिर यहाँ बीएसपी व सपा सहित अनेकों और भी राजनीतिक पार्टियों का गठन हुआ, ताकि इन लोगों को इस पार्टी के कुशासन व मनमानी वाले राज से कुछ हद तक मुक्ति मिल सके। ऐसी स्थिति में केंद्र व राज्यों में चाहे सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी या बीजेपी एंड कंपनी के लोगों के हाथों में आए तो भी बात एक ही है, अर्थात इन सब की नीतियाँ, सोच व कार्यशैली आदि अभी तक भी हमें लगभग एक जैसी अधिकांश नज़र आती है। जैसे देश में रक्षा सौदों की खरीद फरोख्त के मामलों में इन दोनों ही पार्टियों की सरकारों में जबरदस्त घोटाले हुए हैं, ये बात भी किसी से छिपी हुई नहीं है, जिसकी खास वजह से ही पहले कांग्रेस पार्टी को बोफोर्स मामले में अपनी केंद्र की सरकार गंवानी पड़ी थी, और अब देश में जल्दी ही लोकसभा के होने वाले आम चुनाव में बीजेपी को भी खासकर राफेल मामले में हुए घोटाले को लेकर अपनी केंद्र की सरकार जरूर गंवानी पड़ेगी, ऐसी देश में काफ़ी आम चर्चा भी है। इसी प्रकार वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार का राज विशेषकर अपने विरोधियों को कमजोर करने के लिए उनके उत्पीड़न करने के मामले में हमें पूर्व में कांग्रेस पार्टी के रहे राज में सन 1975 में लगी इमरजेंसी से भी अब कोई कम नज़र नहीं आता है, अर्थात फर्क केवल इतना ही है कि इस मामले में कांग्रेस पार्टी के राज में उस समय घोषित इमरजेंसी थी और अब बीजेपी के राज में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है, जिसके असंख्य उदाहरण आप लोगों के सामने हैं। और इसके लिए अब ये लोग अपनी सरकारी मशीनरी का जबरदस्त दुरुपयोग करके वह जनता में अपने प्रभावशाली विरोधियों से घबराकर उनके विरुद्ध जबरदस्ती के काफ़ी वर्षों पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने में लगे हैं, जिससे अब इनको देश में शीघ्र ही लोकसभा के होने वाले आम चुनाव में सन 1977 की तरह ही काफ़ी भारी नुकसान भी होने वाला है। इसके साथ ही गठबंधन को लेकर कांग्रेस पार्टी के बारे में यह बात भी सर्वविदित है कि बीएसपी व सपा को कांग्रेस पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन करने से कोई खास लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इस मामले में हमारा अभी तक का अनुभव ये रहा है कि इनके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमें छोड़ी गई सीटों पर इस पार्टी का अपना अधिकांश वोट ट्रांसफ़र नहीं होता है और वह ज़्यादातर बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियों को ही चला जाता है, या फिर जानबूझकर एक सोची समझी रणनीति के तहत उसे अंदर अंदर ट्रांसफ़र भी कर दिया जाता है, जबकि हमारी पार्टी से जुड़ा
पूरा का पूरा वोट एक तरफा हमारे साथ गठबंधन की गई किसी भी पार्टी को पूरी ईमानदारी से ट्रांसफर हो जाता है, जिससे कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टियों को तो हमसे पूरा लाभ मिल जाता है, लेकिन हमारी जैसी ईमानदार पार्टियों को इनसे इसका कोई खास लाभ मिलने वाला, इनसे कोई खास लाभ नहीं मिल पाता है, और इससे फिर हमारी पार्टी का वोट प्रतिशत और कम हो जाता है, जिसका कड़वा अनुभव हमने यहाँ उत्तर प्रदेश में ही सन 1996 में विधानसभा के हुए आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके किया भी है, और शायद लगभग यही कड़वा अनुभव या पिछले विधानसभा के हुए आम चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके किया है। ऐसी स्थिति में फिर हमने अपनी पार्टी व मूवमेंट के हित में देश में जल्दी ही लोकसभा के होने वाले आम चुनाव में खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी व सपा के बने गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को शामिल नहीं किया है। हालांकि अब हमारी पार्टी ने पूरे देश में ये फैसला लिया है कि हमारी पार्टी अब आगे कांग्रेस पार्टी की तरह ऐसी अन्य और किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करके कोई चुनाव नहीं लड़ेगी, जिससे हमारी पार्टी को खुद ही राजनीतिक नुकसान पहुंच जाए, यानी कि उसका वोट हमें ट्रांसफ़र ना हो सके। लेकिन इस मामले में अभी तक अच्छी बात यह रही है कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी व सपा का पूर्व में विधानसभा चुनाव के लिए हुआ गठबंधन का पिछला रहा अनुभव दोनों ही पार्टियों के लिए काफ़ी कारगर साबित हुआ है, अर्थात दोनों ही पार्टियों का वोट एक दूसरे के उम्मीदवारों को पूरी ईमानदारी से ट्रांसफ़र हुआ है, जिसकी वजह से अब हमें यहाँ लोकसभा के होने वाले आम चुनाव में बीएसपी व सपा का गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने में कोई भी परहेज नहीं है, और अब हमें पूरा पूरा भरोसा है कि यहाँ बीएसपी व सपा का बना ये गठबंधन इस बार केंद्र में बीजेपी को किसी भी कीमत पर सत्ता में आसीन नहीं होने देगा, और इनको इस बार हर हालत में यहाँ उत्तर प्रदेश से ही रोक देगा, बशर्ते यदि इस पार्टी ने पूर्व की तरह यहाँ वोटिंग मशीनों में कोई गड़बड़ी नहीं की, तथा ना ही इन्होंने खासकर राम मंदिर निर्माण के नाम पर यहाँ की जनता की धार्मिक भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ आदि किया। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं उत्तर प्रदेश में बीएसपी व सपा के बने इस गठबंधन के संदर्भ में ये कहना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश में इन दोनों पार्टियों का यहाँ लोकसभा चुनाव में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का हमारा ये गठबंधन फाइनल हो चुका है, और इसके लिए हमने दिनांक 4 जनवरी को दिल्ली में इकट्ठा बैठकर वे काफ़ी गहन सोच विचार करके प्रदेश की सभी 80 लोकसभा की सीटों का फाइनल बंटवारा भी कर लिया है, और इसके बाद हमें ऐसा भी लगता है कि इसकी भनक पड़ते ही उसी दिन फिर बीजेपी ने घबराकर अपनी पूर्व की गई तैयारी के मुताबिक हमारे बने इस गठबंधन को कमज़ोर करने व तोड़ने के लिए एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत सपा के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का नाम जानबूझकर खनन मामले से जोड़कर व इनकी छवि को धूमिल करने के लिए मीडिया आदि में बड़े पैमाने पर उछाल दिया, जिसकी हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है, और ऐसे में हमारी पार्टी पूरे तौर से हर स्तर पर इनके साथ खड़ी है, जबकि इस पार्टी को अर्थात बीजेपी को ये मालूम होना चाहिए कि इनकी इस घिनौनी हरकत से अब बीएसपी व सपा के बने इस गठबंधन को और भी ज़्यादा मजबूती मिल जाएगी, और अब इससे इनका श्री शिवपाल यादव पर पानी की तरह बहाया गया पैसा भी जरूर ही बेकार चला जाएगा। और अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इस बने गठबंधन में किस पार्टी के पास कितनी सीटें रहेंगी, तो ये सब भी दिनांक 4 जनवरी को दिल्ली में ही फाइनल कर लिया गया है,
जिसकी संक्षेप में जानकारी इस प्रकार से है। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीएसपी 38 लोकसभा की सीटों पर और एसपी 38 लोकसभा की सीटों पर मिलकर ये चुनाव लड़ेगी। और दो लोकसभा की सीटें हमने अभी एक दो और पार्टियों के लिए छोड़ दी है। इनके अलावा दो और शेष बची सीटें अर्थात अमेठी व रायबरेली, ये दोनों लोकसभा की सीटें हमने कांग्रेस पार्टी के साथ बिना कोई गठबंधन किए हुए ही इस पार्टी के लिए छोड़ दिए हैं, ताकि बीजेपी के लोग इन दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी की संरक्षक व इनके अध्यक्ष को भी यहाँ अध्यक्ष को भी यही उलझा कर ना रख सकें। इसके साथ साथ बंटवारे में कौन कौन सी सीटें बीएसपी व सपा आदि के पास रहेंगी तो इसका भी लगभग तय ही हो चुका है, जिसकी सीट वार पूरी जानकारी आपको बहुत जल्दी ही प्रेस नोट के जरिए दे दी जाएगी। और अब मैं अंत में बीएसपी व सपा के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों, नेताओं व कार्यकर्ताओं से मीडिया के माध्यम से ये भी पुरजोर अपील करती हूँ कि वे इस चुनाव में पर्दे के पीछे से बीजेपी द्वारा चलाई जा रही श्री शिवपाल यादव की पार्टी को तथा कुछ अन्य और स्वार्थी किस्म के लोगों को भी मैनेज करके वे उन्हें आगे करके खासकर यहाँ दलितों, पिछड़ों व मुस्लिम समाज आदि के नाम पर बनवाई गई पार्टियों एवं इनके संगठनों के द्वारा भी षड्यंत्र के तहत खड़े किए गए उम्मीदवारों को अपने यार दोस्त, जाति बरादरी व रिश्ते नातों आदि के चक्कर में पड़कर इन्हें देकर खराब नहीं करेंगे तथा अपने बने इस पवित्र व सामाजिक भाईचारे पर आधारित इस गठबंधन को कतई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। अर्थात इन दोनों पार्टियों के सर्व समाज से जुड़े लोगों को देश व जनहित में इन स्वार्थी व बिकी हुई पार्टियों के चक्कर में न पड़कर इन्हें केवल अपने गठबंधन द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों को ही कामयाब बनाने का हर संभव पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए, तभी फिर सही मायने में हमारा यहाँ अपने संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि का मानवतावादी सोच पर आधारित इनका सर्व जनहिताय वह सर्वजन सुखाय का सही सपना जरूर साकार हो सकता है। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं आप सभी मीडिया प्रमुखों को तथा सपा व बसपा गठबंधन के सभी लोगों को भी नव वर्ष सन 2019 की अपनी हार्दिक बधाई देती हूं व उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना करती हूं। और अब सपा के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव भी इस बने गठबंधन के संबंध में अपनी बात आप लोगों के सामने रखेंगे। धन्यवाद। चलिए, मैं सबसे पहले आदरणीय मायावती जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन आपने स्वीकार किया है उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हूँ। भाजपा शासन के पिछले 5 सालों में पूरे देश में गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे उद्योगों, दुकानदारों, नौजवानों, दलित, पिछड़ों, महिलाओं और यहाँ तक कि बच्चियों पर जितना अन्याय और अत्याचार हुआ है उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। भगवान राम और भगवान कृष्ण की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में तो भाजपा की सरकार ने इतना अत्याचार किया है कि स्वयं भगवान भी असहनीय पीड़ा हुई होगी। केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने देश और समाज को एक सूत्र में बांधने की बजाय समाज में नफरत का वातावरण बनाया है। लोगों ने भाईचारा बढ़ाने की बजाय लोगों को जात पात के नाम पर बांटने का काम किया है। भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार ने तो उत्तर प्रदेश को जाति प्रदेश ही बनाकर रख दिया है। उत्तर प्रदेश में जात और धर्म को देखकर बेकसूर लोगों के एनकाउंटर किए जा रहे हैं। अस्पताल में इलाज शुरू करने से पहले मरीजों की जात पूछी जा रही है। थानों में रिपोर्ट लिखने से पहले फरियादी की जात पूछी जा रही है। यहाँ तक कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति को सहायता देने से पहले भी उसकी जाति पूछी जा रही है। और
अब तो स्थिति यहां तक आ गई है कि भाजपा के नेताओं ने भगवानों को भी जातियों में बांटना शुरू कर दिया है। अपनी नाकामियां, अपनी विफलताओं और असली मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए भाजपा द्वारा देश और प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाकर भय और आतंक का वातावरण बनाया जा रहा है। गरीबों की बहू बेटियों की इज्जत को सरेआम बेआबरू किया जा रहा है। उचित इलाज न मिलने के कारण गरीबों के हजारों बच्चे रोजाना सरकारी अस्पतालों में मारे जा रहे हैं। खाना न मिलने का कारण करोड़ों लोग रात को भूखा सोने पर मजबूर हैं। पूरे देश में अराजकता का वातावरण है। अन्याय और अत्याचार के कारण शरीफ लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण गरीब किसान हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं। देश के नौजवान भाजपा के झूठे वादों से आहत और निराश होकर के बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। देश और समाज के इन सुलगते मुद्दों से बेखबर भाजपा सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को खुश करने के लिए उनके बड़े बड़े लोन माफ कर रही है। इतना ही नहीं, हीरे के उद्योगपतियों की सुविधा के लिए अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन को जल्द से जल्द चालू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मेरी आवाज अगर भाजपा के नेताओं तक पहुंच रही हो तो वो सुन लें। धर्म की आड़ में देश और समाज में नफरत का जहर घोलने वाली भाजपा की कूटनीति का विनाश करने के लिए और भाजपा के अत्याचारों से आम जनता को मुक्ति दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एकजुट होने का निर्णय लिया है। आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सीटों पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया करेंगे। भाजपा और भाजपा के नेता ये बात भी अच्छी तरह से समझ लें कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का केवल चुनावी गठबंधन नहीं है, बल्कि भाजपा द्वारा किए जा रहे अन्याय और अत्याचार का अंत भी है। अब बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और दोनों पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर के भाजपा के अत्याचारों का डटकर मुकाबला करेंगे। मेरे अंतर मन में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की नींव उसी दिन से बैठ गई थी जिस दिन से सत्ता के नशे में चूर भाजपा के नेताओं ने आदरणीय मायावती जी पर अशोभनीय टिप्पणियों करने का सिलसिला शुरू किया था और भाजपा ने अपने उन संस्कारहीन नेताओं को दंडित करने की बजाय उन्हें बड़े बड़े मंत्रालय देकर उनके हौसले बढ़ाए थे। अपने मन में मैं बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर उस दिन अंतिम मोहर लगा दी थी जिस दिन राज्यसभा के लिए बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार श्री भीमराव अम्बेडकर जी को छल, कपट, धोखे और विश्वासघात से हराकर भाजपा के नेताओं ने खुशियां मनाई थी। भाजपा के अहंकार का विनाश करने के लिए बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का मिलना बहुत जरूरी था। आपको याद होगा, मैंने इसीलिए कहा था कि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करने के लिए अगर हमें दो कदम पीछे भी हटना पड़ेगा तब भी हम गठबंधन करेंगे और भाजपा के अहंकार को तोड़ेंगे। मैं एक बार फिर आदरणीय मायावती जी का धन्यवाद दूंगा कि कम से कम आपने बराबर का एक दूसरे का सम्मान करने का काम किया है गठबंधन में। आज से समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात को गांठ बांध ले कि आदरणीय मायावती जी का सम्मान मेरा सम्मान है और अगर भाजपा का कोई भी नेता आदरणीय मायावती जी का अपमान करता है तो समझ लेना कि वो अपमान आदरणीय मायावती जी का नहीं बल्कि मेरा अपमान हुआ है। हम समाजवादी हैं और समाजवादियों की ये विशेषता होती है कि वो दुख और सुख दोनों में बराबर के हिस्सेदार होते हैं, इसलिए हमें इस रिश्ते को मजबूती के साथ और आगे बढ़ाना है। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से घबराकर अपनी आदत के अनुसार भाजपा तरह तरह के षड्यंत्र रच सकती है, गलत फहमी पैदा करके हमारे कार्यकर्ताओं के बीच नफरत का वातावरण बना सकती है। भाजपा द्वारा दंगा फसाद कराने का प्रयास भी किया जा सकता है, परंतु हमें संयम और धैर्य से काम लेना है। हमें भाजपा की हर साजिश को नाकाम करना है और आपसी भाईचारे को मजबूत करना है।
मैं आदरणीय मायावती जी का द्वारा देश हित में लिए गए उनके ऐतिहासिक निर्णय का एक बार फिर स्वागत करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अब भाजपा के अत्याचारी शासन का विनाश निश्चित है। मैं इस बात का भी विश्वास दिलाता हूं कि समय के साथ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के संबंध और भी अधिक मजबूत होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं। इस गठबंधन के लिए आदरणीय मायावती जी का एक बार फिर बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद।